टू बी वेरी फ्रैंक दोनों को ही मैं गद्दारी के तनाजुर में देखता हूँ। तो नवाज शरीफ हमारा जो है ना खैरख्वाह नहीं है। अगर इस मुल्क के खिलाफ जो बंदा भी बात करेगा, हमारी आर्मी के खिलाफ कोई बात करेगा, तो वो बंदा तो फिर इस पाकिस्तान का दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ साथ बिन अल्ताफ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर और पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानात हैं वो कैसे दिया जाते हैं और कैसे पाकिस्तान से दुश्मनी का इजहार पाकिस्तान से बाहर बैठ के किया जाता है। कुछ अर्से पहले अल्ताफ हुसैन वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात शुरू कर दी। इसी तरह अब कुछ अर्से पहले नवाज शरीफ इलाज के घर से गए थे पाकिस्तान से बाहर, लेकिन पाकिस्तान से नफरत कहिए या पाकिस्तान से इदारों से नफरत, वो उनके अल्फाज जो हैं वो हम सारे देख चुके हैं। अब इस हवाले से आवाम क्या कहती है, आवाम से हम बात करेंगे और आवाम से बात करने के लिए हमने भाई साहब को रुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? जी साजिद कियानी नाम। यार दोस्त अफरीदी। राजा कैसर नाम है जी मेरा। राजा साहब ये बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान से बाहर लोग पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दें, जैसे अल्ताफ हुसैन है, नवाज शरीफ, आपकी क्या राय है, दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? यार दोनों में फर्क तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं फर्क? देखें वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो बकवास करते हैं और ये भी करते हैं, इन दोनों में क्या फर्क? आप किसी आम बंदे की राय ले लें, इसमें कोई फर्क नहीं है। सर टू बी वेरी फ्रैंक दोनों को ही मैं गद्दारी के तनाजुर में देखता हूँ, और अल्ताफ हुसैन का आपको पता है जो कुछ उसने किया है, बल्दिया टाउन के हवाले से जो कत्ल वारदात की है, हमारा मुल्क इन्होंने तबाह कर दिया है। क्योंकि अल्ताफ हुसैन था जब कराची, इनके पास पूरा पावर था, एक आदमी के पास पूरा पावर हो है, तो उसके मैं कहता हूँ कि वो उसके पास किस चीज़ की कमी थी, पूरा हुकूमत उसके पास था, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय दहशत गर्दी के। अब इन्होंने जो जुल्म किया पूरे मुल्क को पता है कि मॉडल टाउन में इन्होंने क्या किया, इसी तरह और ये गए बगाए लाहौर में, लाहौर से बाहर, मतलब पूरे पाकिस्तान में जहाँ इनकी इनके खिलाफ कोई ज़रा सा बोलता था ये उसका गला दबा देते थे। नवाज शरीफ ने जो मॉडल टाउन के हवाले से की है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे वो ये चल रही है कि पूरी आवाम को नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है, जो कि दिन रात अपने बॉर्डरों पर जाने को कुर्बान दे कर रही हैं। देखें ये मुल्क है, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो हम भी नहीं हैं, ये हमें अपनी माँ से भी ज़्यादा अजीज़ है ये मुल्क। अगर इस मुल्क के खिलाफ जो बंदा भी बात करेगा, हमारी आर्मी के खिलाफ कोई बात करेगा, तो वो बंदा तो फिर इस पाकिस्तान का दुश्मन है। ज़्यादती की कोई इंतहा होती है, एक भाई को उसने उठा के अंदर बिठा दिया जेल में के सेफ साइड पे उसको रखा हुआ है, खुद बाहर बयानिए पे पड़ा हुआ है, अगर इतना दलेर है तो आवाम में आए ना, हमारे साथ आए, खड़ा हो, हम भी देखें, अपने बच्चों को साथ खड़ा करें, रोडों पर आए तो देखें। लेकिन वो उसका बयान ही सारा वही है जो इंडिया का है, जंदाल से वो मिलता रहा, मरी में वो मिलता रहा। जो तकलीफ दे बात है ना वो यही है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म रहते हुए एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और ये अब जितनी भी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं वो सारी ये लीक आउट कर रहे हैं इंडिया के आगे, क्योंकि इंडिया के साथ इनकी यारी है। जैसे आप सबको पता है कि शादियों पर इनके जो है ना वो स्पेशली वो आ रहे हैं, सिर्फ शादी अटेंड करके वापस चले जाना। तो नवाज शरीफ भी हमारा जो है ना खैरख्वाह नहीं है। अब ये इधर बाना बना के गया कि मैं इलाज करने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये इधर इलाज कराता क्या है कि हॉस्पिटल बनाता, ठीक है, एक पॉलीक्लिनिक को इस तरक्की देता है तो कोई हर्ज था उसमें? तो किस चीज़ का डर है, इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है, इधर हम जैसे जो गरीब हैं, जो इतने लोग घूम फिर रहे हैं वो अपना इलाज नहीं कराते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। क्या सजा होनी चाहिए आपके ख्याल में, जो इनके बयान आजकल तो काफ़ी सख्त बयान दे रहे हैं नवाज शरीफ? देखें जी सजा तो फिर मेरा ख्याल है हर एक बंदे को मालूम है कि इस किस्म के बंदे के लिए क्या सजा होनी चाहिए, ऐसे बंदे को तो सरेआम जो है ना वो फांसी दे देनी चाहिए। और गद्दारी का इस पे मुकदमा है, आर्टिकल 6 और वॉल्यूम 10 भी खोलें, अगर वो इस लेवल तक आते हैं तो आप भी इस लेवल पर आए ताकि अवाम भी देखे, दुनिया भी देखे कि ये कितने मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ। वो तो मैं कहता हूँ कि उसको जल्दी जल्द लाया जाए और उसको जाना सरेआम फांसी दिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क की तबाही है, हमारे जो आने वाले मुआशरा है आज अगर वो ख्वार है, जलीलो ख्वार है सिर्फ उनके वजह से। देखिए मुखालफत एक अलग चीज़ है, लेकिन उस मुखालफत में इस हद तक चले जाना कि अपने मादर मुल्क जिसके वजूद के लिए हम सब कुछ करते हैं, अगर उसके खिलाफ आप बात करेंगे
तो फिर तो कोई बात भी नहीं रह जाती पीछे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुना कि शहरियों की भी यही राय है कि जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं कर सकते, और ऐसा कोई पाकिस्तान का शहरी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो कभी नहीं चाहेगा कि अपनी धरती माँ के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके। लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहकर तो पाकिस्तान से ख़िलाफ़ बातें करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो रह कर फिर इन्हीं लोगों की हुक्मरानी करने का ख्वाब भी देखते हैं। आवाम की क्या राय है वो आपने देख ली, आवाम क्या चाहती है वो भी आप लोगों ने सुन लिया। अब मज़ीद इन लोगों के लिए यही चाहिए कि वो अपने इन ख्यालात को, अपनी सोच को तब्दील करें। पाकिस्तान ने उनको बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के अंदर नफरत है उसको ख़त्म करें, कंधे से कंधा मिलाएं और पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनसे लड़ें। बहुत शुक्रिया।